तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी सीरियस एस्टमेंट का ज़ोरदार तरीके से और बिल्कुल तीन सितंबर की डेट आ चुकी है और ज़बरदस्त आप प्रिपरेशन में लगे हैं लगातार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस अपने नोट्स के रिवीजन और बिल्कुल फोकस्ड हैं कि इस बार एग्ज़ाम में बेहतर करना है और लगातार मेरे तलसी क्लासेस के हर प्लेटफॉर्म से भी हम आपकी मदद कर करें यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए मॉडल पेपर्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन चल रहा है मैराथन क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं क्योंकि एक उद्देश्य से कि आपको एग्ज़ाम से पहले इतनी बढ़िया मदद करें कि आप तीन सितंबर के एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ बट कहते हैं ना एग्जाम नज़दीक हो तो एक गुरु होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती है कि लास्ट मिनट में कुछ अहम बातें आपसे करें जो आपको एग्ज़ाम के दौरान ख्याल रखने की जरूरत है तो चलिए फिर सेसन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले लास्ट मिनट टिप्स फॉर द सी डी एस टू एग्ज़ामिनेशन और लास्ट मिनट टिप में सबसे पहली चीज़ यही है कि सी डेस अगर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो है इवन सिग्निफिकेंस फॉर दिस ईयर ग्रेजुएट्स एमिंग टू द बिल्ड अ करियर इन द आर्म फोर्सेस मुझे लगता है सी डी इंटर अपने आप में एक Uh, बेहतरीन एंट्री में से एक है जो मुझे लगता है सभी ग्रेजुएट एस्परेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है फौज का हिस्सा बनने के लिए दिस एग्जामिनेशन ऑब्वियसली द वे फॉर एंट्री इनटू द प्रिस्टीजियस एफ एयरफोर्स अकेडमी इंडियन मिलिट्री अकेडमी नेवल अकेडमी एंड ओ ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स नेवी एंड एन एना में कैंडिडेट हैव टू पुट देयर ऑलमोस्ट एफर्ट्स इन द प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट एंड टू द फर्दर एड

linguistic proficiency and basic IQ for the sentence arrangement. Here are the some helpful tips for the English exam. English ke के पेपर jo जब मैं mein baat बात करता हूँ बहुत आसान बात samjhe to तो कहीं kahin कहीं एक बढ़िया common sense understanding aapke आपके अंदर होना जरूरी है जिसके दम पे वाकई में आप बेहतर कर पाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई भी तरह का रिटर्न टास्क नहीं है बट हाँ ऑब्जेक्टिव टास्क में आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा डीप एनालिसिस एंड प्रिसीजन एंड इसेंशियल फॉर द सेनानिम्स एंड एंडस सॉल्व जो है मैक्सिमम सेनानिम एंड एंटानिम क्योंकि वकैब का अपने आप में एक बड़ा रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीरीज एग्जामिनेशन में पैसेज प्रेजेंट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कोरिंग पैसेज अपने आप में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है एक बेहतर स्कोर लाने के लिए क्योंकि उसी पैसेज से आपका जवाब ढूंढने होते हैं तो काफी हद तक ये आसान भी होता है अगर आपका रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है इंग्लिस में तो रीड जम्बल्ड सेंटेंसिस केयरफुल्ली देन ट्राई टू सॉल्व इट क्लोज test and error can help you score easily. So try to solve all the क्वेश्चन तो मैं English के पेपर के लिए यही कहना चाहूँगा कि जितने समय आप previous year approach कर रहे हैं उतना आपके लिए मददगार होगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए तो इंग्लिश के लिए क्लोज सजेशन यही है कि अगर आपके पास एम के सी की लैक्सिकन बुक है तो उसकी वक़ैब जरूर एक बार रिवाइज कर लें वो बहुत मदद करेगी और अगर इस हमारी ग्रामर बुक है तो उसके जितने भी कॉम्प्रहेंशन पार्ट के सेक्शन है या फिर कॉमनवेल्थ पार्ट के सेक्शन उनको जरूर एक बार आप देख लें ध्यान से एग्जाम से पहले आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए इसी क्रम में जब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं जी का जी के सेक्सन ऑब्वियसली कॉमनली परसीव एज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट द जनरल नॉलेज पेपर ऑफ एंड बिकम्स अ हर्डल फॉर द कैंडिडेट्स हाउ एवर आ स्ट्रैटेजिक अप्रोच कैन इट मुझे लगता है जब जीएस की बात होती है सीरियस में स्पेशली यूपीएससी स्टैंडर्ड की हम बात करें ग्रेजुएट लेवल का तो अपने आप में एक हैवी स्टैंडर्ड है बहुत ही वास्ट सिलेबस है बहुत अच्छी कमांड चाहिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट पकड़ चाहिए तभी जा करके आप एक बेहतर अप्रोच के साथ जा सकते हैं तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है इसको आसान कर सकता है सब्जेक्ट फ्रॉम योर स्ट्रीम कैन बूस्ट योर स्कोर सॉल्व दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच आर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट जिन क्वेश्चन पर कमांड है उनको पहले अप्रोच करिए आप प्रॉपर तरीके से रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट एंड गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन फिजिकल पॉलिटिकल मैप रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स सारी याद रखिए गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडियन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप मैप का बहुत बड़ा रोल है और फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही मैप पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए फिर आता है थोरली प्रिपेयर करंट अफेयर दिस विल बी योर स्कोर बूस्टर क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं पच्चीस से तीस क्वेश्चन बार रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो लगातार हम करंट अफेयर क्लासेस भी रन कर रहे हैं आपके लिए जबरदस्त सेशन मैराथन के एम के की यूट्यूब चैनल पर उस पर जरूर आप अटैच हुई वो आपको बहुत मदद करेगा आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बी अटेंटिव वन डीलिंग विद द स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत अटेंटिव होना है एक गलती मतलब क्वेश्चन गलत हो जाए क्योंकि क्या होता है कि सारे ऑप्शन सही लगते हैं तो उसमें सही तरीके से कॉन्सेप्टलाइज तरीके से अप्रोच करना चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और फिर जाके सही करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपका आता है मैथ सेक्शन जो कि मुझे लगता है एक डरावना सेक्शन भी है बहुत सारे बच्चों के लिए बिकॉज मैथ की प्रैक्टिस छुटी हुई होती है और स्पेशली अर्थमेटिक पार्ट है तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है बट कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड एम के जो बच्चे जुड़े हैं और हमारे यहाँ स्टडीज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वाकई में आपके लिए चीज़ बहुत आसान बनाते हैं द मैथ कम्पोनेट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द एग्जाम विच इज़ आई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एंड फ्यू कैंडिडेट्स फेस इशू इन पासिंग दिस पेपर येयर आर समिप्स टू ऑविशल नेविगेट दिस सेक्शन तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इशूज भी करते हैं इस वजह से भग जाते हैं ओ की ओर बच्चे तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका आई एम और आई एन है तो बेसिक मैथ कैन बी टाइम कंज्यूमिंग बट इट इजी सो सॉल्व दिस फर्स्ट जो बेसिक मैथ है थोड़ा टाइम तो लेती है बट मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं वो ईजी uh, है जिसको आप सॉल्व पहले करें डोंट इग्नोर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स लेंदी स्टेटमेंट

प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट तो जितना इसमें प्रीवियस ईयर अप्रोच कर सकते हो और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते उतना हो उतना आपके लिए मददगार होगा मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द स्पीड एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग द मैथ एग्जाम तो बिल्कुल ये हमेशा मैटर करता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है अगर वो आप मेंटेन करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो बेसिकली ये चीज़ थी जो सीरियस आसमेंट को मेरे को बतानी थी लास्ट टाइम और बाकी आप समझदार हैं आप ग्रेजुएट हैं आप सेंसिबल हैं हर बात को समझते हैं और आपने ईमानदारी से मेहनत भी की हुई है तो पूरे मेजिकल्सी क्लासेस के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सरासर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक जाइए और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ दीजिए अच्छे ढंग से बस बिलीव ये रखिए कि कम से कम आपका आंकड़ा ये होना चाहिए कि फिफ्टी आप राइट अप्रोच रखेंगे और मुझे लगता है वो फिफ्टी का राइट अप्रोच है तो आपकी सफलता सत प्रशस्त से हो रहा है तो एक बार फिर फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व गुड लक जय हिंद जय भारत